हाय एथलीट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सौरभ कौशिक और ये है टू स्पोर्ट्स चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसने पूरी वर्ल्ड एथलेटिक कम्युनिटी को हिला के रख दिया है, और वह है नाइकी अल्फा फ्लाई का बैन हो जाना। नाइकी शूज़ के बारे में कहती है कि किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस को 4.2% तक बढ़ा देता है। अगर हम छोटे लेवल पर या मीडियम लेवल पर बात करें तो इसका कोई बड़ा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब हम टॉप वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स में 4.2% की इंक्रीज करें उनकी परफॉर्मेंस को, तो एक बड़ा डिफरेंस है उन एथलीट्स में जो इस शूज़ को पहनते हैं और उन एथलीट्स में जो इस शूज़ को नहीं पहनते हैं। तो ऐसा क्या है शूज़ में जिस कारण वर्ल्ड एथलेटिक्स को इसको बैन करना पड़ा, और आज हम इस बारे में भी जानेंगे कि जो अभी रूल्स एंड रेगुलेशन नए जो रूल्स एंड रेगुलेशन जारी हुए हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसी भी शूज़ को लेकर, वे क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों एक और बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि आगे भी ऐसे स्पोर्ट एजुकेशन और स्पोर्ट अवेयरनेस की वीडियो आने वाली है और वे आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। जैसा कि एथलीट्स आपको याद होगा कि अभी 12th ऑफ अक्टूबर 2019 में इलोदी किपचोगी ने सब 2 आवर्स मैराथन कंप्लीट कर एक ह्यूमन हिस्ट्री में नया रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किया था। उसके ठीक एक दिन बाद यानी 13th अक्टूबर 2019 में ब्रिजिट कोस्गी ने भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किया है मैराथन में। और दोनों में सिमिलर बात यह है कि दोनों ने ही नाइकी के अल्फा फ्लाई शूज़ पहने हुए थे। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट है जिसमें वर्ल्ड की टॉप मैराथन टाइमिंग्स दी गई हैं और मेंस की है ये। और इनमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी इनमें टॉप फाइव एथलीट्स हैं उन्होंने अपने मैराथन के टाइम यही शूज़ पहना हुआ था, नाइकी अल्फा फ्लाई। और जैसा कि नाइकी कहती है कि ये किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस को 4.2% तक बढ़ा देती है, ये एक शक पैदा करता है हम सभी के लिए कि ये कभी मैकेनिकल डोपिंग को बढ़ावा तो नहीं दे रहा है, मैकेनिकल डोपिंग का एक तरीका तो नहीं है। और जैसा इस साल अभी टोक्यो ओलंपिक भी आने वाला है, अगर ये तब तक शूज़ बैन नहीं हुआ या इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये क्लियर ही एक चीटिंग होगी ओलंपिक में, वैलिड चीटिंग होगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स, जो कि एथलेटिक्स की सबसे बड़ी गवर्निंग कमेटी है, सबसे बड़ी गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आज इस शूज़ को बैन कर दिया है। 2nd फरवरी 2020 को ये शूज़ बैन हो चुका है नाइकी अल्फा फ्लाई। तो अब जान लेते हैं ऐसा क्या है इस शूज़ में जिस कारण ये एक एथलीट की परफॉर्मेंस 4.2% तक बढ़ा देता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके सोल से। जैसा आप देख सकते हैं इसका जो सोल है वो 40mm यानी 40mm से भी मोटा है, जो कि बाउंस में हेल्प करता है एक एथलीट को। और सेकेंड है कार्बन फाइबर प्लेट, इन्हें इसके सोल के अंदर एक कार्बन प्लेट लगाई हुई है, कार्बन फाइबर प्लेट लगाई हुई है। जैसा कि आप जानते हो कि कार्बन फाइबर स्टील से भी मजबूत एक मटेरियल है और बहुत ही हल्का होता है, और जो सुपर कार्ड होते हैं, जो सुपर स्पोर्टिंग कार्ड्स होते हैं, वो इसी मटेरियल से बनती है। नाइकी दावा करता है कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एथलीट को रनिंग के दौरान, और यही कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं इसके जिस कारण ये शूज़ 4.2% तक किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। और अब चलिए दोस्तों जो नया गाइडलाइन आया है, जो नई गाइडलाइन आई है वर्ल्ड एथलेटिक्स किसी भी शूज़ के बारे में, उनको जान लेते हैं। जैसा कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, एक पुराना डॉक्यूमेंट्स है वर्ल्ड एथलेटिक्स का, जो एक पुरानी पॉलिसी और रूल्स एंड रेगुलेशन थे किसी भी शूज़ को लेकर, ये उसमें दिखाया गया है। एक पॉलिसी का एक पैराग्राफ है, इसमें वर्ल्ड एथलेटिक्स कहता है कि सच शूज़ हाउएवर मस्ट नॉट बी कंसिडर्ड सो फार एज टू गिव एथलीट्स एनी अनफेयर असिस्टेंट और एडवांटेज। इसमें कुछ भी क्लियर नहीं था किसी भी शूज़ के लिए, लेकिन जो नई पॉलिसी आई है उसके अंदर है कि जो शूज़ है उसका जो सोल है वो 40mm से मोटा नहीं होना चाहिए, 40mm से मोटा नहीं होना चाहिए। और उसमें अगर प्लेट्स हैं, जैसे नाइकी के अल्फा फ्लाई में एक कार्बन प्लेट है, अगर प्लेट होती है तो सिर्फ एक सिंगल प्लेट होगी और डबल नहीं होगी, और वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी। ऐसी बहुत सारे दोस्तों जो नए रेगुलेशंस आए हैं, अगर आपको डे टू डे इनके बारे में अपडेट चाहिए तो हमें ज्वाइन कीजिए, एलीट एथलीट प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट www.sportindia.com पर भी जाकर इसके बारे में जान सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कमेंट में बताइएगा कि आपको इस वीडियो कैसी लगी, और ज़रा भी आपको अच्छी पसंद आई हो ये वीडियो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।